नीति शतकम की देव पद्धति यानी भाग्य पद्धति के श्लोकों के पारायण में व्याख्यान में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। बहुत एक से बढ़कर एक श्लोक है। महाकवि ने इस नवम पद्धति नीति शतकम की नौवीं पद्धति है, विषय है उसमें एकमात्र पुरुषार्थ के आलंबन को नकारते हुए जीवन में भाग्य के स्थान को आश्रय को स्वीकारा है कि भाग्य की सत्ता होती है, किस्मत जिसे कहते हैं। भाग्य का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, केवल परिश्रम करने से या एकमात्र पुरुषार्थ से ही सब कुछ हासिल हो जाता है। इस बात को अस्वीकार करते हुए देव पद्धति में क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके फलक पर दिख रहा है श्लोक संख्या 83। ये देव पद्धति यानी कि भाग्य पद्धति का पहला श्लोक। नेतायस्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रह किल हरे रैरावतो वारणः। इत्येश्वर्य बलान्वितोपि बलभीत् भग्नः परै संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग् धिग् वृथा पौरुषम्। शब्दविकृत छंद। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि क्या कहते हैं, वो अर्थांतर न्यास की वो पंक्ति को हमें सबसे पहले लेना होगा। चतुर्थ पंक्ति में देखें, तद्व्यक्तम ननु देवम एव शरणम धिक धिक वृथा पुरुषम। इसलिए व्यक्त है, स्पष्ट है, निश्चित ही ननु इति अव्यय ननु निश्चय ही दैवम देव ही एव नहीं दैवम भाग्य ही शरणम। भाग्य ही सबका आश्रय है, भाग्य ही शरण स्थान है। धिक धिक वृथा पौरुषम, पौरुषम वृथा व्यर्थ पुरुषार्थ को धिक धिक धिक्कार है। पुरुषार्थ से ही सब हासिल नहीं होता है, पुरुषार्थ की सत्ता को अस्वीकार करते हुए महाकवि भर्तृहरि भाग्य की सत्ता को यहां स्वीकार करते हुए घोषणा करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है इस श्लोक में, देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय। चारों ओर से, सभी ओर से देवराज इंद्र समर्थ है, लेकिन किंतु परंतु दानवों द्वारा इंद्र की पराजय हो जाती है, इंद्र हार जाते हैं। कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं? एक भी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है, सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां देखें। नेतायस्य बृहस्पति ही, यस्य नेता बृहस्पति ही, बृहस्पति जिनके नेता हैं, नेता का मतलब उनके गुरु हैं, नेता उनको दिशा निर्देश देने वाले हैं। बृहस्पति नौ ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति जिसके नेता हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं। नंबर एक, प्रहरणम वज्रम, वज्र जिनका, वज्र जिनका प्रहरण है, प्रहरण का मतलब आयुध शस्त्र। इंद्र के पास एक वज्र था जो इंद्र की पहचान था खास, वज्र जिनका प्रहरण है। सुरा सैनिका, सुरा सुर को देवता, सभी प्रकार के देवताओं की 33 कोटि, 33 प्रकार की विभिन्न एक असंख्य अनेक देवता जिनके सैनिक हैं, देवता जिनके सैनिक हैं। इंद्र के सैनिक कौन थे? देवता, और संख्या में 33 करोड़। चौथा क्या है? स्वर्गो दुर्गम, स्वर्ग जिनका दुर्ग है, दुर्ग यानी किला, अभेद्य जिसमें शत्रु दुश्मन जा ही नहीं सकता है। स्वर्गो दुर्गम, स्वर्ग जिनका किला है। अनुग्रह किल हरे है, हरे है हरि का जिस पर अनुग्रह है, हरे है अनुग्रह। किल यहां निपात है, अव्यय है, किल का कोई विशेष अर्थ नहीं है। हरे है अनुग्रह, हरि की जिस पर कृपा है, अनुकंपा है,
महती कृपा है। हरे कौन? विष्णु। विष्णु की जिस पर कृपा है सदैव आशीर्वाद इंद्र पर। और आगे क्या है? ऐरावत वारणा, वारण मन हाथी, जिनके हाथी का नाम ऐरावत है, ऐरावत, ऐरावत जिनका हाथी है, सबसे ताकतवर हाथी, सफेद हाथी, ऐरावत जिनका हाथी है, वारण है। इति ऐश्वर्य बलान्वित अपि, इस प्रकार के ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य बलान्वित, चारों ओर से शक्ति से समृद्ध होने पर भी बलभित इंद्र, बलभित का अर्थ है इंद्र, भग्न परास्त कर दिया गया परैः, किनके द्वारा? परैः, परैः शत्रु, शत्रु द्वारा, दानवों द्वारा, देवासुर संग्राम में, असुरों द्वारा, दानवों द्वारा, संग्रह युद्ध में। एक एक शब्द देखेंगे तो अर्थबोध होगा। संग्रे परैः भग्न, कहा भग्न? इंद्र बलभित अर्थात इंद्र, तादृश इंद्र यस्य नेता बृहस्पति अस्ति, यस्य प्रहरणम किमस्ति वज्रम प्रहरणम अस्ति, यस्य सैनिका सुरा वर्तन्ते, यस्य दुर्गम स्वर्ग वर्तते, यस्य उपरि हरे विष्णु कृपा अस्ति, महत् कृपा अस्ति, वारण इति गज ऐरावत यस्य गज अस्ति, इति ऐश्वर्य बलान्वित अपि, इतने परम ऐश्वर्य से युक्त होकर भी संगरे युद्धे समरे इंद्र भग्न परास्त कर दिया गया। तो फिर तद व्यक्तम, इसलिए व्यक्त है, स्पष्ट है एकदम कि देवम एव शरणम, भाग्य ही सबका आश्रय है। व्यर्थ पुरुषार्थ को जिसके डिम डिम घोष बजाते सभी लोग, उसको धिक्कार है, धिक्कार है, पुरुषार्थ कहाँ काम आया। तो अपनी बात महाकवि ने भाग्य को जीवन में स्थान दिया है, भाग्य का भी कहीं पलड़ा होता है, पुरुषार्थ को धिक्कारा है। लेकिन आगे एक और पद्धति है जिसमें पुरुषार्थ की प्रशंसा भी की है कि व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा नहीं रहे, कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए नीति शतकम में सभी विषयों का समाहार है। जब पहले देव पद्धति है, पहले भाग्य पद्धति को सराया, भाग्य का जीवन में स्थान है। इस श्लोक की उन बातों को जो मेरे मौलिक वक्तव्य में छूट गई हैं, आप देखें, आपके लिए ये ई कंटेंट के रूप में लिखे सामग्री परीक्षा में लिखने लायक, समझने लायक है। सभी इसको अच्छी तरह से नोट करें, घर पर सोचें, समझें, आपके पास हमेशा के लिए स्थायी समृद्धि है, निधि है। इस लिंक को आप संजो कर रखें, ई लाइब्रेरी के रूप में अपने पास रखें अपने मोबाइल में, क्योंकि यूट्यूब पर आ रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाटा खर्च नहीं होना है। तो देखें, आपको कोई श्लोक समझ में नहीं आता, उसको नीति शतकम की इस लिंक को आप अपने पास रख लें। अधिक से अधिक छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि संस्कृत के किसी भी विषय को मैं आप तक पहुँचाऊँ, ये सीधी लिंक आपके पास आ जाए और आप उनको सहजते जाएँ। ये प्रसंग है सर्वगुण संपन्न देवराज इंद्र के पराजित होने पर देवासुर संग्राम में। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि नीति शतकम की देव पद्धति से उत्तरधृत प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने सर्वगुण संपन्न देवराज इंद्र के पराजित होने पर पुरुषार्थ को धिक्कारा है। अगर पुरुषार्थ से कुछ होता तो देवराज इंद्र जीत जाते, कैसे हार गए? इस प्रकार देखें आप इसका अनुवाद, और ये और अच्छे इसको विश्लेषण करने वाली व्याख्या, जिसे भावार्थ कहते हैं, तात्पर्य कहते हैं, अभिप्राय कहते हैं, आशय कहते हैं, कोई भी शब्द दे दें आप, भाग्य के आगे पुरुषार्थ की चमक शून्य है। एकमात्र पुरुषार्थ से ही भाग्य की सफलता है, इस पर संदेह जताते हुए महाकवि भर्तृहरि ने पुरुषार्थ को के स्थान पर भाग्य को स्वीकार किया है, देवासुर संग्राम की पौराणिक घटना का उल्लेख किया है। इस प्रकार ये इस श्लोक में बृहतम पति ही, व्याकरण देखें, बृहतम पति इति बृहस्पति, नेता नीतृज अनुग्रह अप प्रत्यय से, हरे ही ऐरावत, देखें वृद्धि संधि देखें इसमें, हरे है ऐरावत रुत्व संधि है, सज शुरू से कैसे विसर्ग को न होने पर सामने ऐरावत होने से रैरावत हो गया, हरे है ऐरावत। और इस प्रकार भंज में तप्रत्यय लगने से भग्न। अगला श्लोक देखिए, बहुत अच्छा, ये भी भाग्य की ही सराहना करते हुए क्या महाकवि कहते हैं,
भग्नाशस्य करंडपिंडिततनोर् म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथाः लोका पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम् अति मधुरं शार्दूलविक्रीतछन्दस्य गानम् सम्यक्। इसमें सर्वभूषक का दृष्टांत देकर के महाकवि भर्तृहरि ने क्या कहा है, चतुर्थ पंक्ति को फिर देखें, स्थानांतरण न्यास को ले इसको केंद्र में रखते हुए श्लोक की व्याख्या करेंगे। लोका, हे लोगों, पश्यत, जरा देखो, देवम एव ही नृणाम वृद्धौ क्षये कारणम। देवम के भाग्यम, भाग्य ही मनुष्यों की वृद्धि और क्षय में मुख्य कारण है। मनुष्य के उत्थान पतन, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग, इस सब में कारणम किमस्ति, देवम, देव ही कारण है, भाग्य ही सबसे बड़ा कारण है। लाभ हानि में, वृद्धि और क्षय में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया है सर्प और आंखों आंखों यानी चूहा। देखिए इसके दो शब्द आए श्लोक में, दूसरी पंक्ति में श्लोक में शब्द देखो, कृत्वा आंखों, कृत्वा आंखों, आंखों यानी चूहा, मुषक, और सर्प के लिए शब्द आया है दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द है भोगिना, सर्प भोगिना। अब हम देखेंगे इस श्लोक में आखिर कौन सा दृष्टांत है, क्या है। भग्नाश, भग्न आशा यस्य, भग्नाश अर्थात आहत, आशा रहित, निराश होकर के भग्नाश। करंड पिंडित तनु, करंड पिंडित तनु, करंड मतलब पिटारी में हार करके, करंड पिंडित, करंड पिंडित का अर्थ यहां देखेंगे हम, पिटारी में पिंडित होकर के, कुंडली मार करके, पिटारी में निराश होकर के, पिंडित होकर के बैठे, कुंडली मार करके बैठे हुए, पिंडित तनु म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा, म्लान इंद्रिय, जिसकी भूख के मारे, क्षुधा से जिसकी इंद्रियां म्लान हो गई हैं, अर्थात भूख से निराश होकर के, हताश, सिकुड़ कर बैठे हुए, पिटारी में सिकुड़ कर बैठे, भूख से अशक्त इंद्रियों वाले, ये शब्द रहेगा, म्लानिर, म्लानेन्द्रियस्य, म्लान इंद्रियस्य क्षुधा, भूख से जिसकी इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां अशक्त हो गई, निशक्त हो गई है, लाचार, व्यवस्थ है, ताकत ही नहीं है, पिटारी में सिकुड़ कर बैठा हुआ है, आशा रहित होकर के, सांप है ना, ऐसे सांप के भोगिना मुखे, ऐसे सांप के मुख में। अब देखें दूसरी पंक्ति देखेंगे, कृत्वा करके, आंखू यानी चूहा, विवरम यानी बिल, छेद करके, अर्थात ऐसी पिटारी में जिसमें पहले से ही हताश होकर के, निराश होकर के, अपनी आशा को भग्न करके, म्लान इंद्रिय वाले सिकुड़ करके बैठे हुए अशक्त सांप के मुख में चूहा है वो, आंखू, आंखू यानी चूहा, विवरम कृत्वा स्वयं भोगिना मुखे निपतिता। अब समझ में आएगा छात्रों को कि पिटारी में पहले से भी सिकुड़कर हताश होकर बैठे हुए, निराश होकर बैठे हुए सांप के मुख में रात को, नक्तम इति रात, रात में ऐसे सांप के मुंह में चूहा गिर गया छेद करके, मेहनत किसने की, चूहे ने। अब संयोग से सर्प पिटारी में पहले से ही बंद है, किसी तरह से भूख से व्याकुल है, परेशान है, अशक्त है, ऐसे सर्प के मुख में मेहनत करके चूहे ने बिल बनाया और जैसे ही अंदर गिरा तो अंदर सांप के मुंह में गिरा, सांप के मुंह में गिर गया, उसको आहार मिल गया ना, जिसको कहते हैं रेडीमेड, तैयार। अब देखो सांप ने क्या किया, तीसरी पंक्ति, तृप्त, तृप्त में तप्त होकर के, उसको बैठे बैठे भोजन मिल गया, तृप्त तत्पिशितेन, उस पिशित से, चूहे के उस मांस से,
तृप्त होकर के सत्वरम तेजी से असौ यह सर्प असौ सर्प के लिए आए असौ भोगेना तेन एव यातः पथा उसी मार्ग से चला गया। मार्ग किसने बनाया था? चूहे ने। तेन पथा उसी रास्ते से यातः चला गया, सर्प निकल गया पिटारी से बाहर, भोजन भी मिल गया और बाहर भी निकल गया। तो किस्मत कब काम कर जाती है नहीं कह सकते हैं। हाथ थक कर थक हार कर निराश बैठे भूख के मारे म्लान इंद्रियों वाले उस सर्प के मुख में मेहनत करके चूहे ने बिल बनाया, पेटे में छेद करके जैसे अंदर गिरा सांप तैयार बैठा था और खा करके सांप उसी चूहे द्वारा बनाए गए बिल से बाहर निकल गया। देखिए इस बात को, इस दृष्टांत को सामने रखकर भर्तृहरि कहते हैं लोका हे मनुष्यों जरा देखो, पश्यत देयो में वही नृणम वृद्धो क्षय कारणम, भाग्य ही मनुष्य की वृद्धि और क्षय में सबसे बड़ा कारण है। चूहे की तो चूहे का क्षय हो गया और सर्प का वृद्धि हो गई। जो मर रहा था वो जी गया और जो जी रहा था वो मर गया। इसलिए भाग्य का बहुत बड़ा रोल है जीवन में, भाग्य का स्थान है। उस स्थान को बताने के माध्यम से यहाँ इस श्लोक का देखें, इसमें जो कुछ शब्दार्थ हैं आप देखें अभ्यास की दृष्टि से और उसको नोट करके फिर आगे बढ़े। प्रसंग संदर्भ निधि शतकम की भाग्य पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में चूहे और सर्प के दृष्टांत से भाग्य को उन्नति और अवनति का कारण बताया गया। इतना लिखना बहुत आवश्यक है। ये अनुवाद जो आपको बताया है, कहीं कोई बात ऐसी रह गई तो भाग्य व्याख्या में देखें। स्पष्ट है कि मनुष्य की उन्नति और अवनति में एकमात्र कारण भाग्य है। और यहां देखें पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से भाग्य का निर्माण होता है। देखो भाग्य का निर्माण यूं ही नहीं होता है, इस श्लोक में बताया है। तो भाग्य के सामने पुरुषार्थ फीका है यह बताया है, यही संदेश है। कुछ व्याकरण की कुछ बातें देखें, भग्नाशस्य भग्नाशायस्य इति बहुव्रीहि समासः देखें। करंड पिंडित तनु, तनु मने शरीर, करंडे पिंडित तनु, करंड मने पेटी में सिकुड़ कर बैठे हुए ऐसे शरीर वाले, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। अन्य पद प्रधान है म्लानेन्द्रियस्य म्लाना म्लानानि इंद्रियाणि यस्य बहुव्रीहि, इसमें भी अन्य पद प्रधान है। कृत्वा आकु आकु यानी मूषक, आखन और कु प्रत्यय से बनेगा आखू, बाकी सभी शब्द तेनेव तेनेव शब्दों में क्रीड़ित। अब ये श्लोक है ऐसा ही भाग्य की बात बताने वाला, ये भी खलवाट की पिच्चा सेवा श्लोक है। खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणै संतापितो मस्तके वांछन देशमनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः स्तत्रैव यान्त्यापदः। हर श्लोक में अर्थांतर न्यास है, उसको पहले देखेंगे क्या कहते हैं। प्रायः गच्छति यत्र भाग्यरहितः, अन्वय करें यत्र भाग्यरहितः गच्छति, प्रायः बहुधा यत्र भाग्यरहित, भाग्यरहित यत्र गच्छति, किस्मतहीन बदकिस्मत भाग्यरहित व्यक्ति जहाँ जाता है आपदः तत्र यान्ति, आपत्तियाँ उसका पीछा करती है, विपत्तियाँ उसका पीछा करती है, उसके पीछे पीछे चली जाती है। बेचारा खलवाट, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने खलवाट एक गंजे व्यक्ति का उदाहरण दिया है। इसमें भी दृष्टांत है गंजे व्यक्ति का। गंजा व्यक्ति मई जून की भरी दोपहर में बाहर निकले तो उसका सिर गर्मी से परेशान रहता है, फट जाए इतनी गर्मी अनुभव होती है। खलवाट खलवाट गंजा, दिवसेश्वरस्य किरणै संतापितः मस्तके दिवसेश्वरस्य किरणै ही संतापितः, क्या हुआ कि मस्तक पर अपने मस्तक पर दिवसेश्वरस्य दिवसस्य ईश्वर का अस्ति सूर्य, तो दिवसेश्वर अर्थात सूर्य की किरणों से संतप्त होकर के संतप्त परेशान वांछन चाहता हुआ, शत्रु प्रत्यय
देशम अनातपम, अनातपम देशम वांछन, किसी छाया वाले क्षेत्र स्थान को ढूंढता हुआ। न आतपम यस्य इति अनातपम, जहाँ आतप नहीं रहे, जहाँ धूप नहीं गिरे, ऐसे ठंडे शीतल स्थान को खोजता हुआ विधिवशात सौभाग्य से तालस्य मूलम गता, ताल के मूल में गया, अर्थात ताड़ वृक्ष के नीचे उसने आश्रय लिया। किसने? खलवाड़ ने, गंजे व्यक्ति ने। तत्रापि अस्य महाफलेन पतता, तत्रापि महाभी, तत्रापि, तत्रापि अस्य, तत्राप्यस्य, पहले दीर्घ फिर इको एनर्जी, तत्राप्यस्य, तत्रापि अस्य, वहां भी इसका, किसका? खलवाटस्य किम शिरः, किम अभवत्? महाफलेन पतता सशब्दम भग्नम, सब शब्दम महाफलेन पतता, जैसे ही ताड़ के नीचे गया बेचारा, तो वहां से उस ताड़ के पेड़ से बहुत बड़ा फल शब्द करते हुए उसके सिर पर आकर गिरा, भग्नम, उसके सिर पर, उसके सिर को तोड़ दिया, फोड़ दिया, माथा ही फोड़ दिया उसका, शब्द के साथ, शब्द के साथ माथा फूट गया उसका। दृष्टांत है, कहना क्या चाह रहे हैं चतुर्थ पंक्ति में, कि भाग्य रहित, भाग्यहीन व्यक्ति जहां भी जाता है आपत्तियां उसका पीछे पीछा करती है, नहीं जाती है। तत्रैव 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 यान्ति आपदः यान्त्यापदः, यम संधि यहां भी देखेंगे, कोई अर्जी तो क्या शब्दार्थ देखें। और ये रहा संदर्भ प्रसंग, गंजे व्यक्ति के दृष्टांत से महाकवि ने जीवन भाग्य की भागीदारी का वर्णन किया है, बता दिया है भाग्य के प्रतिकूल होने पर क्या होता है, इसका दृष्टांत इस श्लोक में है। अनुकूलो ध्रुवी हार होती है, ये देवराज इंद्र की पराजय से बताया, अनुकूल होते हुए भी सब अच्छा था, फिर भी चूहा सर्प के मुंह में गिर गया। तो भाग्य जब प्रतिकूल हो जाए तो जहां कहीं भी जाओ हमें क्षय क्षति होनी है। इस प्रकार श्लोक में हिंदी की कहावत विशेष के रूप में लिखी है, कहावत ऐसी ऐसी थोड़ी बनी है, सिर मुड़ाते ही और ओले गिर, सिर मुड़ाए के ऊपर से ओले गिर और परेशान हो गए। व्याकरण और शब्द विकृत, और एक श्लोक और देखेंगे जो 86वां श्लोक है, इसके बाद नीतिशास्त्र के कुछ बचे हुए श्लोक हैं उन्हें देखेंगे। शशि दिवाकरयोर गृह पीड़नम गज भुजंगमयोरपि वंदनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रतम विदिरहो बलवा नीति में मति ही। शशि दिवाकर योग्य पीड़नम, महाकवि भर्तृहरि ने भाग्य की सराहना की, विधि ही बलवान, विधि ही बलवान है। चतुर्थ चरण देखें, अहो अरे आश्चर्य है, विधि ही बलवान है, भाग्य ही बलवान है। मैं मति में मति मतलब मन्य हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे अनुसार, माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो कहते हैं कि भाग्य ही बलवान है, क्योंकि शशि दिवाकर यो, दिवाकर में सप्तमी एक वचन, षष्ठी सप्तमी द्विवचन लगने पर दिवाकर यो, शशि और दिवाकर का शशि यानी चंद्रमा, दिवाकर सूर्य, चंद्र और सूर्य का इन ग्रहों का पीड़न होना, बंधन में पड़ना, अर्थात इतने तेज पुंज है दोनों, इनका भी ग्रहण होता है, ये भी ढक जाते हैं जब जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। फिर गज भुजंगमयो अपि बंधनम, गज गजराज, गजराज के भी पैर में जंजीर बांध दी जाती है, भुजंग सर्प उसके विष है, विषधर कहते हैं उसे, वो भी पिटारी में बंद कर दिया जाता है। सर्प जिसके पास हलाहल विष है उसकी फन में, गज कितने सबसे बड़ा पशु है, ताकतवर पशु हाथी, हाथी भी जंजीर में बंधा बंधा जाता है, महावत का आदेश मिलता है। सूर्य और चंद्र का बंधन में पड़ना, इन ग्रहों का राहु द्वारा ग्रसे जाना, ग्रहण होना, हाथी और सर्प का बंधन में बंधना, मतिमतां च दरिद्रतां विलोक्य, विलोक्य दरिद्रतां, बुद्धिमानों की दरिद्रता को देख करके तीसरा दृष्टांत देते हैं महाकवि भर्तृहरि, कि भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, लेकिन मतिमतां द
दरिद्रता में लोग के बुद्धिमानों की दरिद्रता गरीबी देख करके मुझे यह प्रतीत होता है। मैं निसंदेह कह सकता हूँ, भर्तृहरि कह रहे हैं ना कि विधि ही बलवान, अहो अरे भाग्य ही बलवान है भाई, पुरुषार्थ बलवान नहीं है। पुरुषार्थ बलवान होता तो सूर्य और चंद्र का ग्रहण क्यों होता, हाथी और सर्प बंधन में क्यों पड़ते, बुद्धिमान लोग भूखे क्यों मरते। कहीं ना कहीं जीवन में भाग्य बहुत बड़ा स्थान रखता है, भाग्य की महत्ता। देखें अनुवाद में ये संदर्भ, अनुवाद व्याख्या, व्याख्या में कुछ ऐसे शब्द हैं जो मेरे मौलिक रूप में छूट जाएं, आप देखें उसको। इस प्रकार इस श्लोक में महाकवि ने भाग्य को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध किया है। और इसके बाद कुछ श्लोक जो नीति शतकम के बचे हुए उसके साथ हम इसका समाहार करेंगे और आगे आपके लिए दूसरी पुस्तक और कुछ और लेके आएंगे। आज इतना ही। ओम।